friends, this is Umesh Arora from CATCAM Solution Meerut और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेसिंग में एंड इसके अंदर सरफेस मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे और सरफेस मॉडलिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है वो सारे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारा चैनल है CATCAM Solution Meerut के नाम से, जिसमें आपको ये सारी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग इस टाइप की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम एनेक्स में के अंदर नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और वो है हमारा मैश सरफेस के अंदर स्टूडियो सरफेस। स्टूडियो सरफेस के अंदर क्या है, आप जैसा हमने स्वीप में किया था शेप बनाई थी, जैसे लॉफ्ट में बनाई थी, कुछ उसी टाइप की हम इसके अंदर बना सकते हैं स्टूडियो सर्विस में। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर आप नंबर ऑफ सेक्शन इसके अंदर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर गाइड के लिए जो लिमिटेशन है वो मैक्सिमम 3 गाइड का आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर सेक्शन जो है वो आप कितने भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेक्शन और कुछ गाइड बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ से और पहले प्लेन पर जाके सेक्शन बनाते हैं, उसके बाद फिर गाइड बनाएंगे। प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और ओके करिए। अब यहाँ पे बनाते हैं हम पहला सेक्शन, यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं और ये एक आर्क बना ली। फिनिश करते हैं और फिर स्केच लेता हूँ मैं। तो एक तो इस पर बना लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिया स्टूडियो लाइन एस। और ओके करिए और एक इधर से ले लेते हैं आर्क और इसके आगे एक लाइन और कुछ इसकी सीध में ही ले लीजिए और फिनिश। तो अब मेरे पास क्या है, एक सेक्शन और दो गाइड, या दो गाइड और दो सेक्शन और एक गाइड, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जाइए इंसर्ट और यहाँ से हम मैश सरफेस के अंदर स्टूडियो सरफेस। तो प्राइमरी कर्व में मैंने सेक्शन जो है इसको ले लिया, फिर यहाँ से गाइड में जाता हूँ, फर्स्ट गाइड कर्व मेरा ये है, लेकिन ये दोनों को एक साथ ले नहीं रहा, शिफ्ट के साथ से डी सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाके लेता हूँ सिंगल कर्व और क्लिक, फर्स्ट कर्व मेरा ये हो गया। और एक गाइड लेने के बाद मिडिल क्लिक करता हूँ मैं और सेकंड गाइड ये वाला लिया और ये वाला लिया। यहाँ पे जो है टेंजेंसी नहीं मिल पा रही है इसको, इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। तो दूसरा ये हमारा स्टेप से बन गया, ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। या इसको हम सेकंड तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से लीजिए इंसर्ट मैश सरफेस स्टूडियो कर्व, पहला सेक्शन मैंने सिंगल कर्व लेके ये ले लिया मिडल क्लिक, सेकंड ये ले लिया और गाइड में जाके मैं इसको पिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तो आप किसी को भी गाइड और किसी को भी सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप यूज़ करके इस टाइप से ले सकते हैं। एक ऑप्शन हमारा इस टाइप से हो गई और सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और ये स्केच हमने बनाए हैं ये तो ठीक है, और ये दो स्केच है इसको भी ठीक है चल जाएगा, इसी में ही आगे बनाता हूँ मैं। और स्केच में जाते हैं और इस प्लेन पे क्लिक किया हमने और यहाँ से जाके मैंने एक आर्क ली
और ऐसे इसे बना दिया, फिनिश। ये एक कर वो ऐड करके बना लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अगर स्टूडियो कर्व, यहाँ पे नहीं है, यहीं से लेना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और मैथ सरफेस के अंदर स्टूडियो सरफेस, और यहाँ से हमने लिया प्राइमरी कर्व ये वाला, मिडिल क्लिक सेकंड ये वाला है, और फिर गाइड कर्व में लाता हूँ, गाइड मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ तक तो हमारा पहले आ ही रहा था। अब अगर आपने मिडिल क्लिक एक और बनाया है तो मिडिल क्लिक करिए और इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए तीनों से टच होकर जाएगा जैसे हमने इससे पहले वाला ऑप्शन यूज़ किया था, जो कर्व था हमारा इससे पहले वाला ऑप्शन कौन सा था हमारा, यू किया था थ्रू कर्व मैश, ये वाला जो ऑप्शन यूज़ किया था बिल्कुल उसकी तरह भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन लिखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ स्टूडियो सर्फेस तक पूरा, और दोबारा से कुछ बनाता हूँ। उसके लिए प्लेन पे जाते हैं, स्केच करते हैं, यहाँ पे आ गए, अब ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आर्क लेते हैं और आर्क लेके एक ऐसी कुछ आर्क मैंने बना ली, अब एक और आर्क मेरे को चाहिए तो इसे सेलेक्ट करते हैं, और एक ही मेरे को चाहिए और ये आ रहा है कुछ 80 की जगह मैं 120 कर देता हूँ और ओके। इस प्लेन पे जाके दोबारा से स्केच करते हैं, ओके, फिर से आर्क लेते हैं और बिल्कुल सेम आर्क एक बार और मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, दो आर्क हो गई हैं। अब मेरे को एक इधर सेक्शन चाहिए और इसके लिए स्केच में जाते हैं और ये है स्केच यहाँ पे, ओके, और लाइन से मिला देते हैं इसको, और फिर एक नीचे भी चाहिए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सॉरी वो गलत जगह चला गया है, प्लेन इसको ऑफसेट करना है और ये वाला पॉइंट पे है ना, और ओके, और इस पर जाके स्केच करिए, इसका भी एक और सेक्शन मैंने लाइन ही बना लिया, इस टाइप का हो गया। और अब एक प्लेन और लेता हूँ ये, और इसको 60 पे ले लेते हैं, मिडिल पे आ जाएगा, और स्केच में जाते हैं, बीच में भी एक और ले लेते हैं, फिनिश, इस टाइप से ये मेरे पास आ गया है। अब इसके ऊपर लगाते हैं हम, यहाँ से जाएंगे और स्टूडियो सरफेस, स्टूडियो सरफेस में मैंने लिया प्राइमरी कर्व ये है, मिडिल क्लिक सेकंड प्राइमरी ये हो गया, गाइड फर्स्ट गाइड ये लेता हूँ मैं, और मिडिल क्लिक सेकंड गाइड ये है, तो ये सेकंड गाइड तक ही बनेगा, इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक आप कट करेंगे सिर्फ वहीं तक ही यह आएगा, ये आप कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, अब इसके अंदर हम थोड़ा चेंज करते हैं, ये जो है हमारा स्केच इसको मैंने डिलीट करा और इसकी जगह एक दूसरा कर्व बना लिया। अब अगर इसको मिलाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाइए और स्टूडियो सरफेस, पहला कर्व ये मिडिल क्लिक, और प्राइमरी सेकंड कर्व ये हो गया, गाइड कर्व फर्स्ट ये, मिडिल क्लिक सेकंड गाइड कर्व ये, तो इस स्टेप से बना हुआ आ जाएगा मिडिल क्लिक और एक ये, तो ये भी आ जाएगा, तो अगर ऊपर से भी जा रहा होगा तो भी ये हमारा काम कर जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन हो सकता है, ये तो सेकेंडरी वाले में हो गया, प्राइमरी में एक और गाइड कर्व ऐड करता हूँ मैं, यहाँ से स्टूडियो स्प्लाइन फर्स्ट कर्व, सेकंड मैं कुछ यहाँ क्लिक करता हवा में और फिर इस पर, ये मैंने ऐसा बना लिया, इस पर टच नहीं है, इसे टच कराइए, ओके, तो ये मेरे पास एक ऐसा बन गया है। अब अगर हम लेते हैं यहाँ से
इंसर्ट में, मैश सरफेस में, स्टूडियो कर्व में प्राइमरी पहला ये, मिडिल के प्राइमरी में टू, मिडिल थ्री, प्राइमरी थ्री, इस टाइप की शेप आ गई। और गाइड में एक गाइड हो गया मिडिल थ्री। और अगर मैं इस गाइड को लेता हूँ तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं विद इन टॉलरेंस, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप इसको डी सिलेक्ट कर दीजिए, और इसकी जगह अगर आप लेना चाहते थे इस वाले को ले सकते हैं, और ये आपकी शेप आ जाएगी। तो इसके अंदर आप मल्टीपल सेक्शन और थ्री गाइड के थ्रू डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, और फिर यहाँ से जाते हैं और प्लेन लेते हैं। मैंने इसे क्लिक किया और एक आ रहा है, मैं यहाँ से लेता हूँ फोर या थ्री, ले लीजिए थ्री, और ओके ये मेरे पास आ गया। अब मैं स्केच में जाता हूँ और फर्स्ट वाले पे जाके कुछ ड्रॉ करते हैं, और मैंने लिया कुछ ऐसा, एक शेप हो गई मेरी। फिर स्केच लेते हैं और सेकंड वाले पे जाते हैं, और इसके लिए मैंने बनाया कुछ ऐसा। फिर मैं थर्ड वाले पे जाता हूँ और इस पर स्केच करते हैं, स्केच और सिलेक्ट और ओके। और थर्ड वाले पे मैंने बनाया क्लिक और कुछ ऐसा, ये मैंने बना लिया। सेक्शन मुझे लग रहे हैं कि ये कुछ थोड़े हैं, है ना, मतलब सेक्शन जो है बहुत छोटा लग रहा है, तो जो बीच का गैप है उसको भी मैं कम कर देता हूँ। सपोज 30 किया, ओके अपडेट हो गया, 30 का आ गया, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, डबल क्लिक और इसे 20 कर लेते हैं। ये 20 मैंने ले लिया। इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसे कर दीजिए हाइड, और इसे भी राइट क्लिक करके हाइड। अब मेरे पास तीन सेक्शन है। अब यहाँ से जाते हैं और इंसर्ट में जाके यहाँ से मैं लेता हूँ मैश सरफेस में स्टूडियो सरफेस। स्टूडियो सरफेस में पहला मेरा जो कर्व है ये हो गया मिडिल थिक, दूसरा ये हो गया, और फिर मिडिल थिक, और थर्ड वाला है ये वाला। ये मैंने इस टाइप से इसको बना लिया है, आप देख लीजिए एक बार, इस टाइप से आ गया। ये बनाने के बाद मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आउटपुट सरफेस ऑप्शंस के अंदर अलाइनमेंट को मैं ले लेता हूँ बाय पॉइंट्स। बाय पॉइंट्स से देखिए बेनिफिट होगा क्या, आप इधर जूम करिए, ये दो पॉइंट आ रहे हैं और ये यहाँ पे इस तरीके से कट हो के आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये दोनों पॉइंट आएँ और इस वाले से एक से मिल जाएँ, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और ये मैच हो जाएगा। घुमाइए इधर से, सेम इधर भी ऐसे ही आ रहा है, आप ड्रैग करके इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। तो कहीं पे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ट्विस्टिंग चाहिए तो ट्विस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पॉइंट लिया और इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे गायब हो जाएगा, इस साथ मर्ज हो जाएगा पॉइंट। ये वाला लाइन आ रही है बीच में रखना चाहते हैं इसको, बीच में मिडिल पे रख लीजिए, बीच में मिडिल पे आ जाएगा। इस टाइप से इसके अंदर ऑप्शन में आप सेटिंग कर सकते हैं, और ठीक लगता है तो ओके कर दीजिए, ओके हो जाएगा। ये हमारा जैसे हमने बाई पॉइंट के थ्रू इसकी सेटिंग कर ली। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा स्टूडियो सरफेस। होप आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।